नमस्कार, मेरा नाम है अमित और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी ब्रांड के दो फोन्स के बीच में स्पीड टेस्ट और एक क्विक कैमरा कंपैरिजन, जिनमें आप देख सकते हैं एक तो है आप सभी का ऑल टाइम फेवरेट रियलमी 1 और दूसरा है रियलमी यू 1 जो कि लेटेस्ट है रियलमी की तरफ से। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस हमको देखने मिलता है मीडियाटेक के हीलियो P60 और मीडियाटेक के हीलियो P70 के बीच में। साथ ही यह भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस हमको देखने मिलता है इनके कैमरा में। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि टेक वीडियोस हम चैनल पे डेली अपलोड करते हैं और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है इनकी परफॉर्मेंस में और क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है इनकी कैमरा में। आपको बता दें, आज ये दोनों ही फ़ोन हमारे पास अवेलेबल हैं 4GB रैम वेरिएंट के साथ में। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो रियलमी 1 का 4GB रैम वेरिएंट अवेलेबल है 10,990 रुपये की प्राइस में, जबकि रियलमी यू 1 का 4GB रैम वेरिएंट आपको मिलेगा 14,490 रुपये की प्राइस में। मतलब यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने मिलता है लगभग 3,500 रुपये का। तो चलिए, स्पीड टेस्ट करने से पहले देख लेते हैं दोनों ही फोन्स के बेंचमार्क स्कोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी 1 के बेंचमार्क स्कोर बताते हैं लगभग 1,38,000 के बेंचमार्क स्कोर, जो कि कई बार चले जाते हैं लगभग 1,40,000। और अगर हम बात करते हैं रियलमी यू 1 की, तो यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं लगभग 1,45,000 के बेंचमार्क स्कोर। तो बेंचमार्क स्कोर में तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, देखते हैं कि परफॉर्मेंस में हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को, और ये स्पीड टेस्ट हम करने वाले हैं अलग अलग राउंड में। सबसे पहले राउंड में हम करेंगे दोनों ही फोन्स में एक वीडियो को रेंडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स में कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, और ये वीडियो रेंडर हम करने वाले हैं Adobe Premiere Clip के थ्रू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स में है सेम वीडियो क्लिप। चलिए रेंडर करते हैं इसको 720 पिक्सल्स पे और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितना टाइम लगाता है इस वीडियो को रेंडर करने में। तो फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आपके सामने हैं। यहाँ पर हमको देखने को मिला कि Realme U1 ने पहले वीडियो को रेंडर कर लिया, जहाँ पे हमको टोटल टाइम देखने को मिला है 3 मिनट्स एंड 57 सेकंड का, जबकि Realme 1 ने टाइम लिया है 4 मिनट्स एंड 17 सेकंड। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन विनर रहता है Realme U1। चलिए अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ, जहाँ पर हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पर एप्लीकेशन ओपन। तो चलिए करते हैं इस राउंड को स्टार्ट। और ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन का सेकंड राउंड, और यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है दोनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस में। हालांकि विनर होता है Realme U1, लेकिन जो टाइम डिफरेंस था वो बहुत ही कम था। 5 में से 3 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई Realme U1 में, और 2 एप्लीकेशन सेम टाइम पे ही ओपन हुई, लेकिन जो टाइम डिफरेंस था वो बहुत ही कम था। चलिए अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि क्या सेम रिजल्ट हमको वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं इस राउंड को स्टार्ट।
और ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन का फाइनल राउंड, और यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन के फाइनल स्कोर, Realme U1 ने टाइम लिया है 2 मिनट्स एंड 29 सेकंड का, जबकि Realme 1 को टाइम लगा है 2 मिनट्स एंड 31 सेकंड। तो यहाँ पर डिफरेंस हमको देखने मिलता है सिर्फ 2 सेकंड का। हालांकि Realme U1 में कुछ 2 या 3 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में स्टॉप हो गई थी, जिसकी वजह से ये टाइम डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इसी में फर्स्ट राउंड की, तो वहां पर Realme U1 ने टाइम लिया था 2 मिनट्स का, जबकि Realme 1 को टाइम लगा था 2 मिनट्स एंड 6 सेकंड का। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है MediaTek के Helio P60 और P70 के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप Realme 1 यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपग्रेड करना चाहिए सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए Realme U1 पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कैमरा अपग्रेड तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं कैमरा को भी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा का, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, Realme 1 में आपको देखने मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जो कि सिंगल कैमरा है, और यहाँ पर यूज़ होता है f2.2 का अपर्चर। जबकि अगर हम बात करते हैं Realme U1 की, तो वहाँ पर आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि है 13+2 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर जो डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, वो एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अपर्चर भी सेम मिलता है और कैमरा सेंसर भी सेम मिलता है दोनों ही फोन्स में 13 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, Realme 1 में दिया गया है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि रहता है f2.2 अपर्चर के साथ में, जबकि अगर हम बात करते हैं Realme U1 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ये आपको मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ में। तो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन में तो हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए नज़र डाल लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स पे। तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं जो कि ली गई है दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरे से, और ये पिक्चर ली गई है ऑटो मोड में। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, दोनों ही फ़ोन का जो रियर कैमरा है और उसका जो ऑटो मोड है वो सेम काम करता है। यहाँ पर आपको दोनों ही पिक्चर्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है आपको Realme U1 में, जबकि Realme 1 में सिंगल कैमरा ही दिया गया है। हालांकि Realme 1 में भी आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, जबकि Realme U1 में आपको ड्यूल कैमरे की वजह से थोड़े से अच्छे पोर्ट्रेट पिक्चर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फोन से ली गई पोर्ट्रेट पिक्चर्स, और आप इन पिक्चर में देख सकते हैं कि Realme 1 में आपको बहुत अच्छी पोर्ट्रेट पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी, जबकि Realme U1 में काफी अच्छे पोर्ट्रेट पिक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है दोनों ही फोन के रियर कैमरा में। और अब अगर हम बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरा की, तो यहां पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही फोन का कैमरा कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है और जो कैमरा सेंसर है वो भी अलग है। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही फोन की सेल्फी पिक्चर। जी हां, डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कि Realme U1 में आपको बहुत ही बेटर सेल्फी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आप यूज कर रहे हैं Realme 1 तो सिर्फ आप परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अपग्रेड करना मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेम परफॉर्मेंस के साथ में आपको अच्छा कैमरा देखने को मिले, एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिले, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिले, कुछ नया डिजाइन देखने को मिले, तो डेफिनेटली आप अपग्रेड कर सकते हैं और आपको वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जैसा कि आप MediaTek के Helio P60 मतलब Realme 1 में देख रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड करना नहीं बनता है, लेकिन जो बाकी और चीज़ें हैं उसके लिए अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल है सुझाव, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।